नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसे समझने से पहले हमें जानना चाहिए कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस एक ऐसा पर्टिकुलर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, मींस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसको, यूज़र को, जिसके थ्रू यूज़र जो होता है वो सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके, सिस्टम को यूज़ कर सके। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हर प्रकार के कंप्यूटर यूज़र को ध्यान में रखते हुए किया गया। GUI का जो मेन फोकस था वो विजुअल पे था। इसमें किसी काम को करने के लिए कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी इंटरफेस प्रोवाइड कराए गए थे, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS-DOS हो गए, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस होते थे। मीन्स किसी भी काम को, कोई भी सिस्टम पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर कमांड होती थी, उस कमांड का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन जब GUI आया तो इसने क्या किया, पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया अपने आप को। तो वो एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसमें सिस्टम पर कुछ भी हमें ओपन करना है तो उसे एक आइकन या बटन या मेन्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके PC में कोई डॉक्यूमेंट है, उसे आपको ओपन करना है। तो पहले क्या होता था, एक किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को या किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर कमांड होती थी। लेकिन GUI में क्या है, आप पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करिए, जिस फोल्डर को आपको ओपन करना है उस फोल्डर पर आप क्लिक करिए, वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आप माउस के थ्रू, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका ओपन हो जाएगा। तो GUI का मतलब यही है कि यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराना जो जियोग्राफिकली मींस पिक्चर्स के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि किसी भी पिक्चर को याद करना, लर्न करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू किसी कमांड को याद करना। मीन्स GUI एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे विंडोज़ आइकन हो गए, बटन हो गया, मेन्यू बार हो गया, जो कि हमारे क्या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होते हैं। जैसे नॉर्मली आप आजकल लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सब क्या है, GUI बेस्ड है, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है। जितनी भी विंडोज़ हैं हमारी, स्मार्टफोन पे एंड्रॉयड आ गया, ये सब हमारे क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, GUI के ही एग्ज़ाम्पल हैं। तो आइए जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहला जो GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 1981 में डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया, जीरोक्स पार्स के रहने वाले एलन के और डगलस एंगेलबर्ड ने अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ मिलकर इसे क्रिएट किया था, डेवलप किया था। इसका यूज़ सबसे पहले 1983 में एप्पल के लीसा कंप्यूटर में किया गया था। इससे पहले MS-DOS, लिनक्स वगैरह यूज़ की जाती थी, जो कि हमारी क्या होती थी, कमांड बेस होती थी। तो इसको यूज़ करने के लिए किसी एक्सपीरियंस पर्सन की नीड होती थी, लेकिन GUI को नॉर्मल पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कमांड नहीं होती, इसमें पिक्चर्स हैं और आपकी लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसमें, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। आपको पता होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पिक्चर ओपन करनी है तो उस पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपकी ओपन हो जाएगी। शुरू में GUI को केवल माउस और कीबोर्ड के थ्रू हैंडल किया जाता था, जो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए सफिशियंट थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मार्केट में स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिवाइसेस भी लॉन्च हो गई, उसके लिए क्या किया गया, उसको मींस मोबाइल इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया गया, यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया गया, टच स्क्रीन को लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया। अब तो मार्केट में टच स्क्रीन के TV, लैपटॉप टाइप के आइटम भी आ गए हैं जिनमें टच स्क्रीन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आजकल तो वॉइस के थ्रू भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को, मींस मोबाइल को, जो स्मार्टफोन है उनको ऑपरेट किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं GUI के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही बेनिफिट है कि इसको इजी टू लर्न, मींस इसे ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न करना, मींस उसकी हर एक कमांड को याद करना मुश्किल होता था, जबकि जो ये हमारा GUI इंटरफेस आया जब से, तो यूज़र के लिए इसको यूज़ करना आसान हो गया, मींस सिस्टम को ऑपरेट करना इजी हो गया। इसके बाद बात आती है, इसे हर प्रकार का पर्सन यूज़ कर सकता है, मींस जिसे कम नॉलेज हो वो भी इसे यूज़ कर सकता है और आसानी से समझ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो
तुरंत रिस्पॉन्स करता है। मीन्स जैसे ही हमने आइकन पर बटन प्रेस की, आइकन पर हमने क्लिक किया, वैसे ही हमारा वो आइकन ओपन हो गया। मीन्स इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही फास्ट होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको GUI समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाऊँ।